हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री सीएम धामी ने यहाँ पर जो है एक बड़ा बयान जारी किया है और लगभग जो है हम यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा पोस्ट निकालेंगे इसको लेकर बात कही है। और कब तक निकलेंगे और कौन कौन से पोस्ट निकलेंगे इसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकर। तो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है 2 माह में जो है यहाँ पर 12,000 भर्तियां होंगी। तो सीएम धामी ने कहा है सिर्फ 2 माह में जो है हम यहाँ पर भर्तियां होंगी, इसके लिए जो है टारगेट लक्ष्य जो है यहाँ पर साथ दिया है। और कहा गया है कि पुष्कर धामी ने यहाँ पर जो है सरकार जो है बेरोजगार को जो है यहाँ पर रोजगार देने के लिए जो है गंभीर है। और 24,000 जो पद बताए जा रहे हैं, 24,000 की पद यहाँ पर भर्ती शुरू है और अगले 2 महीने तक जो है हम यहाँ पर आधे पद यानी कि 12,000 तक जो है भर्तियाँ पूरा कर देंगे, ये जो है सीएम ने वादा किया है। और कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में जो है आवेदन निःशुल्क कर दिया गया है और वहीं यहाँ पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिला स्तर पर जो है यहाँ पर एक ही स्थान पर जो है कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं, जहाँ स्वरोजगार से जो है संबंधित औपचारिकताएँ जो है पूरी की जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीएम धामी ने जो है अब नया जो है बयान जारी किया है 12,000 पदों को लेकर और कहा है कि हम जो है लगभग 2 महीने में जो है हम कंप्लीट जो 12,000 पद हैं वो भर देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर दिसंबर तक जो है 24,000 पद भर यहाँ पर जो भर्तियाँ निकाल देंगे, ये भी लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं कि इन पदों पर कौन कौन से पद यहाँ पर आने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर किस विभाग में कितने पदों पर जो है भर्ती करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। यहाँ पर 24,000 जो पद आ रहे हैं लगभग जो है विद्यालयी शिक्षा में यहाँ पर 5,500 के समथिंग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग जो है 3,000 के समथिंग। और वहीं वन में यहाँ पर देख सकते हैं 2,500 के समथिंग और ऊर्जा में 2,000 के समथिंग और 1,900 की समथिंग जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग में पुलिस के 1,500 के समथिंग यहाँ पर रख रखा है। और उच्च शिक्षा में जो है यहाँ पर 700 के करीब है और सिंचाई विभाग में जो है लगभग 700 से ज़्यादा पद और वहीं पशुपालन में 300 और कृषि में जो है 450 से ज़्यादा और यहाँ पर ग्राम्य विकास में 450 से ज़्यादा और लोक निर्माण विभाग में जो है 300 से ज़्यादा और पेयजल में 100 से ज़्यादा यहाँ पर और समाज कल्याण में 100 से ज़्यादा यहाँ पर हैं। और जन कल्याण में यहाँ पर देखते हैं जनजाति कल्याण में जो है देखते हैं 155। तो इस तरह का जो है खाद्यान्न नागरिक में भी इतने पद रखे हैं 182। तो लगभग जो है यहाँ पर सीएम ने कहा कि आधे पद जो है हम यहाँ पर लगभग 2 माह में निकाल देंगे, बाकी जो पद होंगे वो दिसंबर तक का यहाँ पर लक्ष्य भी रखा गया है। तो कहा है कि हम जल्द से जल्द जो है रोजगार देंगे यहाँ पर कहा गया है। और कई विभागों के जो अध्याचन है वो पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि शिक्षा विभाग का अभी भी जो है कोई भी यहाँ पर रिक्त पदों को लेकर कोई बात नहीं चल रही है और न ही यहाँ पर जो है विभागों के यहाँ पर जो विभाग है वो अभी अध्याचन दे रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो है जैसे आपका ऊर्जा विभाग में चले गए हैं, वन विभाग में आपको पता है ऑलरेडी भर्ती आ भी गई है, कहीं पुलिस विभाग का अभी अध्याचन जाना है, चिकित्सा शिक्षा में भी आपकी पोस्ट आ चुकी हैं ठीक है, और यहाँ पर उच्च शिक्षा में भी अभी आनी है लेकिन आई नहीं है, थोड़ा सा यू सेट की वजह से रुका है। सिंचाई विभाग में कुछ पोस्ट आ गए हैं, पशुपालन में भी आ चुके हैं, कृषि में भी आ चुके हैं, ग्रामीण में इनकी वीडियो वीपीडियो की जो पोस्ट थी वो आ चुकी हैं और कई पोस्ट जो हैं बढ़ा दी गई हैं क्योंकि उन्हीं पर जो रिक्त पद थे उन पर बढ़ा दी गई हैं, कई पोस्ट आ भी सकती हैं ठीक है। और यहाँ पर इनके पद भी अध्याचन आ चुके हैं, बाकी के नहीं आ रखे अभी तक का। तो कुछ कुछ आ चुके हैं पद अध्याचन, कई पदों पर कुछ कुछ आ सकते हैं दिसंबर तक का कहा गया है। और बाकी देखिए क्या यहाँ पर 24,000 लक्ष्य तो रखा गया है, इतने पद निकाल पाएंगे वाली बड़ी बात है। और इस पर जो है कुछ कुछ अध्यात्म तो आ चुके हैं लेकिन अभी बाकी और भी बचे हुए हैं अभी।